हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और सब ठीक चल रहा होगा। तो दोस्तों, अभी जो है हम लोग हमारे फार्म पर जा रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि वहां पे जो है हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गई है, कटाई जो है फसल की स्टार्ट हो गई है। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो है गन्ने में पानी चल रहा था, तो उस कारण यहाँ पर पानी भर चुका है, तो गाड़ी यहाँ से जा नहीं सकती है फिलहाल, तो पैदल ही जाना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गई है, मैं ही ठीक से नहीं चल पा रहा हूँ, तो गाड़ी कैसे आती इधर पे। तो खैर, अभी बहुत दूर जाना पड़ेगा पैदल पैदल। दोस्तों, यहाँ पे जो है हार्वेस्टिंग लगभग हर फसल की स्टार्ट हो चुकी है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, ये बटरी का खेत था जिसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। बस इसको इकट्ठा करके अब हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग बस करनी है। और चलिए देखते हैं, ये वाली फसल भी पूरी तरीके से पक चुकी है, इसका भी 2-3 दिन बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी चलते हैं जिसका काम लगा हुआ है उसको देखने के लिए, वो वाले खेत पर। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, अभी जो है मैं गेहूं के खेत में हूं, आप देख सकते हैं ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, सारा ग्रीन ग्रीन। और इसमें जो है अभी पानी चल रहा है, स्प्रिंकलर से इसमें पानी दिया जा रहा है, और देखिए काफ़ी अच्छा लगता है ये देखने में। और मेरे साइड में यहाँ पे चने का खेत है, इसमें चने की बुआई की गई है। तो आइए चलते हैं। और दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं ये हम लोग का बगीचा आ चुका है, और इसके जो इस साल भी आम काफ़ी अच्छी तरीके से फूल पर हैं, मतलब मोहर जैसे हम लोग बोलते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आई है। खैर, स्टार्टिंग में इसमें उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा आएगी इसमें मोहर, पर अभी जो है काफ़ी अच्छी है। काफ़ी समय बाद घूमते घूमते फाइनली हम लोग हमारे अड्डे पर पहुँच चुके हैं, और आपको मैं दिखा दूं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ इतनी इन्होंने जो है फसल की कटाई कर दी है। मैं आपको ठीक तरीके से दिखा देता हूं इसको, तो देखिए। तो देखिए दोस्तों, कुछ इन्होंने इतने खेत की जो है कटाई कर दी है फसल की, और इसको कुछ इस प्रकार से काट के रख दिया जाता है, फिर बाद में जो है इसको इकट्ठा किया जाता है एक जगह, फिर उसके बाद जो है थ्रेशिंग की जाती है। और इधर पर जो है इन लोगों ने कुछ चने को भूंज के खाया हुआ है, आग जलाई हुई थी इन्होंने, लेबर लोग ने। मैं आपको दिखा था पर मैं सुबह नहीं आ पाया, नहीं तो मैं आपको लेबर से भी मिला था। तो आप देखिएगा अगले ब्लॉग में, शायद मैं आपको दिखा दूं। और कुछ अभी इतना इस साइड का प्लॉट रह गया है कटाई के लिए, फिर उस साइड भी है। खैर, अभी जो है हार्वेस्टिंग जो है कटाई बहुत समय तक चलने वाली है। देखिए कुछ इस प्रकार से इसको ऐसे छोटे छोटे ढेर बना के रख दिए जाते हैं, पर इसको इकट्ठा किया जाता है। और दोस्तों, जो इस साल की जो फसल है उसमें ज़्यादा कुछ खास दम नहीं है, क्योंकि बारिश जो है इस बार काफ़ी तेज रही है, तो उस कारण जो है फसल पर असर साफ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा इस फसल की जो भी थ्रेशिंग वगैरह होती है, जो भी प्रोसेस से ये गुजरेगी, और नई फसल की जो भी बुआई होती है, कैसे जो है खेत वगैरह सुधारे जाते हैं, खेत में जो भी एक्टिविटी होती है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक किसान जो है एक फसल के लिए कितनी कुछ मेहनत करता है, सारी कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा, अपडेट दूँगा, और साथ में मैं खुद भी करता हूँ फार्मिंग, तो ये जो सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। दोस्तों, अभी जो है शाम पूरी तरीके से हो चुकी है, तो मैं चलता हूँ अपने घर की तरफ। और यदि आपको ये ब्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपने एक शानदार से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।